सो है गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग वीडियो। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। और कल तो हम उतना कुछ खास दिखा नहीं पाए थे, तो कुछ आज शूट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या शूट हो पाता है अपन से। सो गाइज, हम निकल चुके हैं अपने फ्लैट से एंड हम अभी हैं भवानी निकेतन कॉलेज के सामने। अभी हम जा रहे हैं चौमू के लिए और वहीं मिलेगी हमको ऑफिस जाने के लिए बस। तो चलते हैं धीरे धीरे। ये भवानी निकेतन का मेन गेट है। सो हम आ चुके हैं चौमू पुलिया एंड यहाँ पे सिटी जाने के लिए बसें लगी हुई है। हमको आगे जाना है थोड़ा आगे, वहीं मिलेगी हमको सिटी बस। वो हमें ऑफिस से थोड़ा सा दूर ड्रॉप करेगी, वहीं से हम पहले चलेंगे फिर ऑफिस के लिए। तो गाइस, हमें मिल चुके हैं यहाँ पे बस, मिलने पर एवं सिटी बस फाउंटेन से जो जाएगी बनी पार्क। हम वहीं पर जाएंगे, अपना ऑफिस वहीं पर है। तो निकल चुके हैं बस में बैठ के। तो सुबह सुबह काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि सब अपने अपने काम पर निकलेंगे, तो ट्रैफिक तो होगा ही। मुझे भी काफ़ी मुश्किल से बनाया है क्योंकि फोन गिर भी सकता है बाहर, बार बार ब्रेक लगने के कारण। तो काफ़ी मुश्किल से बनाया चुके हैं वनी पर। यहीं से चलेंगे हम पैदल पैदल, इसे इलेक्ट्रिकल सर्किल बोलते हैं। अब इससे रास्ता जाएगा वनी पार्क के लिए, तो वहीं चलते हैं पैदल पैदल। अपना ऑफिस वही है। सो हम ब्लॉग कर रहे थे तो सफाई वाले भैया ने देखा कि अपना वीडियो बन रहा है और उनको पता नहीं कि हम तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो ये है मारुति सुजुकी का शोरूम। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी है। हम ब्लॉग कर रहे थे तब सामने से एक अंकल जी आए और उन्होंने हमें कैमरे पर हाई किया, तो ये देख के हमको एक चेहरे पे अलग ही स्माइल आ गई भाई, बहुत अच्छा लगा ये देख कर। सो गाइस, ये है जयपुर का कोर्ट और शायद आज कोर्ट की छुट्टी है क्योंकि आज है ईद, वरना यहाँ पे गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ये सारा पार्किंग एरिया है सामने कोर्ट में, जितने भी वकील हैं उनकी गाड़ियाँ यहीं पे पार्किंग होती है। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने ऑफिस, अपन अपने काम करेंगे और वीडियो को शूट करेंगे शाम के समय। सो गाइस, हम आ चुके हैं अभी ऊपर। बाहर का नज़ारा कुछ बहुत ही शानदार हो रखा है क्योंकि आज बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण मौसम एकदम हरा भरा हो चुका है। एंड ये है बाहर का कुछ नज़ारा। बाहर तो यार हरियाली काफ़ी, मतलब बारिश के कारण सब हरे भरे लग रहे हैं पेड़ पौधे, और भीड़ भी काफ़ी हो रखी है। ट्रैफिक तो रहता ही है हमेशा जयपुर में, चारों और हरियाली हरियाली हो रखी है यार आज बारिश के कारण, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर का भी। और ये होटल के ऊपर कुछ प्लांट लगे हुए हैं, काफ़ी कूल लग रहे हैं ये भी। एंड वो सामने है मेट्रो, मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे।
एंड ये यहाँ का स्विमिंग एरिया, और यहाँ से भी व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा है यार। बारिश के कारण व्यू तो एकदम बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। एंड वो वहाँ पे है मेट्रो स्टेशन, कभी मेट्रो स्टेशन पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी व्लॉग शूट करेंगे हम। और जो बारिश से नज़ारा बना ना भाई, एकदम देखने लायक है यहाँ से। तो टॉप पे हैं हम अभी होटल की, प्लांट के कारण तो रूफ टॉप काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। चारों ओर बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, क्योंकि ये जयपुर के बीच में हम। सो गाइज, हम आ चुके हैं थोड़ा सा और ऊपर, और यहाँ से भी नज़ारा कुछ भाई बहुत ही कूल लग रहा है यार यहाँ पे भी। गाइस, हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस से घर के लिए, और यहाँ से रेलवे स्टेशन से बस पकड़ के सीधा अपने घर चलते हैं। रास्ता कुछ इस टाइप का है, भीड़ तो अभी भी लगी हुई है यहाँ पे। रेलवे स्टेशन आ चुका है, वहीं सामने है जहाँ पे सिटी बसें चलती है, और वहीं से पकड़ के हम चोमू पुलिया के लिए निकलेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे है गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे हम और यहाँ से निकलते हैं आगे अपने घर की तरफ। ई रिक्शा बहुत ज़्यादा है, ई रिक्शा भरे हुए हैं यहाँ पे तो। एंड यहाँ पे है पानीपुरी का ठेला, अरे भाई कोई ऊपर में चढ़ा देना यार। निकलो निकलो, आप निकलो भैया पहले। एंड यहाँ पे है एक पुलिस चौकी, और यहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है भगवान। भाई रेलवे स्टेशन पे तो काफ़ी भीड़ हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा, और इस साइड है खाने की दुकानें सारी, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। सारी खाने वाली दुकानें यहाँ पे, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब यहाँ कर सकते हैं हम। और वहाँ पे लगी है हमारे जाने के लिए बसें चोमू पुलिया के लिए, सिटी बसेज है जो हर 10 मिनट में चलती रहती है यहाँ से। भीड़ तो बहुत है भाई यहाँ पे। एंड यहाँ पे है वाइन शॉप, वो रही हमारी बस जिसे पकड़ के हम चलते हैं अपने रूम पे। बस चलेगी तब तक हम यहाँ पे कुछ शूट कर लेते हैं। ये यहाँ का रेलवे का मेन गेट है जहाँ पे भीड़ काफ़ी हो रखी है। चल के पूछते हैं अंकल जी से कि चोमू पुलिया जाएगी कि नहीं जाएगी। अंकल जी, ये चोमू पुलिया जाएगी ना? जाएगी भैया बेटू। तो बस तो हमें मिल चुकी है, एंड चलने में अभी टाइम है थोड़ा, ये अभी वेट कर रहे हैं सवारी का, चलेंगे थोड़ी देर में। आज हम बैठ चुके अपनी बस में, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी तो ये रुकेगी यहाँ पे एग्जिट की जगह रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से भी कुछ सवारी लेगी है, और फिर चलते हैं अपने रूम पे। तो अभी हम आ चुके हैं चोमू पुलिया, ट्रैफिक काफ़ी हो रखा है शाम के टाइम पे, तो अपने अपने घर जा रहे हैं। टेम्पो वाला क्या आ चुका है, अपने उतरने का समय, उतरते
हम उतर चुके हैं अभी चौमू पुलिया, और भाई भीड़ तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, लोग वेट कर रहे हैं बसों का, काफ़ी भीड़ हमें, और हमें चलना है उस साइड, तो इसके लिए रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ध्यान से देख कर करना पड़ेगा, वरना तो कोई ठोक के चला जाएगा। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है नाइट में, एंड यहाँ पे है ट्रैफिक कंट्रोल। तो हमने कर लिया रोड क्रॉस और चलते हैं अपने रूम पे। टेम्पो में तो बैठेंगे नहीं, ये ले लेंगे 10 रुपये, तो पैदल पैदल चलते हैं, पैदल का भी मज़ा कुछ और है, धीरे धीरे चलेंगे तो आ जाएगी, यहीं पास में ही है फिर तो। ये रिक्शा लगी है सबको ले जाने के लिए, बट हम जाएंगे नहीं, डेली हम पैदल ही चलते हैं, तो पैदल ही अच्छा है हमारे लिए, तो बेस्ट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और यहाँ पे है एक आर्मी ऑफिसर जिनकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी है, और यह है इंदिरा रसोई, 8 रुपये में आपको भर पेट के खाना मिलता है यहाँ पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने फ्लैट पे, खाना वाना तो हम वहीं से खा के आए थे, एंड अब करेंगे अपनी वीडियो की एडिटिंग और इसके बाद सोएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।